नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे साहित्य का उद्देश्य या साहित्य का प्रयोजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्पस ऑफ लिटरेचर। और आपको शुरुआत में बता देता हूं कि यह मुंशी प्रेमचंद जी का जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उस पर आधारित नहीं है, यह उसकी व्याख्या नहीं है। हाँ, उसका उल्लेख आज के लेक्चर में जरूर होगा। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें देख लीजिए क्या क्या है। पहले प्रस्तावना, फिर साहित्य का उद्देश्य या साहित्य के प्रयोजन पर विश्व स्तर पर विद्वानों ने क्या चर्चा किया है, क्या अपने विचार व्यक्त किए। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले संस्कृत आचार्यों अथवा संस्कृत के काव्य शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मत, उनके क्या विचार है। इसके बाद पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य अथवा प्रयोजन क्या है। इसके बाद हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य या साहित्य का प्रयोजन क्या है। साहित्य के उद्देश्य या प्रयोजन के संबंध में हम मनोविश्लेषण शास्त्रियों के मत का भी विवेचन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि साहित्य और समाज का क्या संबंध होता है, साहित्य और समाज का अंतर संबंध, और साहित्य की प्रासंगिकता, साहित्य की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। इसके बाद देखेंगे हम निष्कर्ष। और आज का जो लेक्चर है इसमें आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CET की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की या फिर UGC नेट GRF की या फिर PGT या TGT, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आज के इस लेक्चर से कम 10-12 प्रश्न अवश्य आएंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप शुरू से अंत तक इसे जरूर देखें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण इसमें मैं बिंदुओं को मैंने इसमें शामिल किया है जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक इस लेक्चर को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है। साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों, विचारों और आदर्शों को पाठक या समाज तक संप्रेषित करती है। तो देखिए, साहित्य में क्या होता है, शब्द भी होता है और अर्थ भी होता है, और इन दोनों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। और यह ऐसी रचना होती है जो लोगों का कल्याण करती है, और न केवल कल्याण करती है बल्कि जो रचनाकार है, जो लेखक या कवि है, उनके भावों, विचारों और आदर्शों को पाठकों तक संप्रेषित भी करती है, कम्युनिकेट भी करती है। इसके बाद विद्वानों ने साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा है, विद्वानों के अनुसार साहित्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सहित, ये पहला शब्द है सहित, और दूसरा शब्द है यत, इसे कहते हैं प्रत्यय। अर्थात साहित्य का क्या अर्थ है, साथ होने का भाव या सहभाव। तो इसका अर्थ यह है कि जहां शब्द और अर्थ एक साथ आते हैं वही साहित्य है, इसमें कल्याण का भाव समाहित होता है। अर्थात साहित्य क्या है, जहां पर शब्द और अर्थ एक साथ आते हैं तब साहित्य बनता है, और साहित्य में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। कल्याण के इसी भाव को लक्षित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य है। मतलब साहित्य क्या है, मतलब जो साहित्यकार की जो भावना है पूरे विश्व के लोगों की भावनाओं के साथ एकाकार हो जाता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, मतलब भावना का व्यापक रूप साहित्य है। तो इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य का लक्ष्य कौन है, मनुष्य। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है वह मानवतावादी दृष्टिकोण है। यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो पहला तो यह आपको प्रश्न मिल गया। इसके बाद स्पष्ट है कि साहित्य हमारी संवेदना के तारों को झकझोरता हुआ हमें संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, ताकि हम समूचे विश्व के साथ एकत्व को महसूस करते हुए वैश्विक संवेदना के साथ जुड़ाव विकसित कर सकें। क्योंकि साहित्य की जो प्रकृति होती है वह कालजयी प्रकृति होती है, मतलब वह देश, काल, परिस्थिति और वातावरण से परे होती है। जैसे तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, आज भी हम उतने ही 450 वर्षों के बाद भी उतना ही श्रद्धा भक्ति के साथ अध्ययन करते हैं जितना उस काल के लोग करते रहे होंगे। जैसे महाभारत है, गीता है, इसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथ होंगे, अलग अलग बाइबिल है, कुरान है इत्यादि, तो उनका हम उतनी ही श्रद्धा के साथ आज भी अध्ययन करते हैं, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और इसमें क्या होता है, हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है वह दूर होती है, और हम पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार मानकर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह जागृत होती है, और वैश्विक संवेदना के साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं।
यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और यह प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है जहां जहां मैं बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में क्या लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। मतलब लोगों की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रत्येक देश का साहित्य वहां लोगों की टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, वहां लोगों की मूल प्रवृत्ति को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी चित्तवृत्ति को रिफ्लेक्ट करता है, उनका संचित प्रतिबिंब होता है। और हमारे टेंडेंसी में समय के हिसाब से परिवर्तन भी होता है, हमारी प्रवृत्ति में, हमारी चित्तवृत्ति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। और वह किस पर निर्भर करता है, राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर, सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर, सांप्रदायिक परिस्थितियों के ऊपर और धार्मिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारी प्रवृत्तियां बदलती जाती है। तो स्पष्ट है कि साहित्य का स्वरूप स्थिर नहीं रहता, एक जैसा साहित्य हर कालखंड में नहीं लिखा जाता। जैसे जैसे समाज गतिशील होता है, और इस गतिशीलता का कारण क्या है, सामाजिक गतिशीलता, मतलब साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आता है, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही हमारे साहित्य में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे समाज की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में बदलाव आता है, उसी के अनुरूप जनता की टेंडेंसी भी बदलती है, सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता में परिवर्तन होता है और इसके अनुरूप ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। यह एक और प्रश्न आ गया है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। यह देखिए, यही कारण है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या कहा है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जन समूह के हृदय का विकास मतलब हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, मतलब हमारी जो हम संकीर्णता से बाहर निकल जाते हैं, है ना, लोगों के प्रति जो घृणा और द्वेष की जो भावना है वो हमारी दूर हो जाती है, हमारे हृदय का विकास होता है और हम पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझने लगते हैं, हमारी संवेदना विकसित होती है, हमारी भावनाएं विकसित होती है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसका कथन है, बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य किसके लिए लिखा जाता है, साहित्य मनुष्यों के लिए लिखा जाता है ताकि उनका उत्थान हो, है ना, उनमें गुणों का विकास हो। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ये हमने देख लिया साहित्य की परिभाषा और साहित्य क्या है। अब हम देखेंगे साहित्य का उद्देश्य या साहित्य का प्रयोजन क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर, किस प्रयोजन से कोई साहित्यकार साहित्य लिखने के लिए प्रवृत्त होता है। संसार में जितने भी रचना है, संसार का जितना भी काम है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, यहाँ कोई भी प्रयोजन रहित नहीं होता। प्रयोजन और उद्देश्य दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। साहित्य का जीवन और जगत से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य को क्या कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य में हमारा समाज, हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है, अतः उसका उद्देश्य, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य अथवा प्रयोजन होता है। साहित्य लेखन में लेखक का उद्देश्य ही उसके प्रयोजन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, मतलब साहित्यकार का जो उद्देश्य होता है वही उसका प्रयोजन होता है, वही उसके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वानों ने साहित्य के प्रयोजन अथवा उद्देश्य पर विचार किया है। वास्तव में प्राचीन भारत में साहित्य संबंधी विवेचन वास्तव में काव्य के विवेचन से प्रारंभ हुआ। और वास्तव में जब शुरुआत में जो प्राचीन भारतीय जो भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य का जो विवेचन किस प्रकार से हो रहा था, काव्य के रूप में किया जा रहा था। लेकिन साहित्य शब्द कब प्रचलन में आया, साहित्य शब्द का प्रचलन 7वीं और 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इससे पहले संस्कृत में साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग मिलता है, मतलब पहले साहित्य के लिए 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद साहित्य शब्द ने जन्म ले लिया, ठीक है। और आगे चलकर क्या हुआ, काव्य का अर्थ संकुचित हो गया, वह केवल कविता तक सीमित रह गया, जबकि साहित्य का प्रयोग व्यापक रूप में कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, आलोचना, समीक्षा इत्यादि के लिए होने लगा। बाद में काव्य शब्द एक विशेष प्रकार की विधा कविता के लिए सीमित रह गई, लेकिन साहित्य शब्द के अंतर्गत बहुत सारी बातें, बहुत सारी विधाएं आ गई जिसमें कविता और काव्य भी शामिल है। अब हम साहित्य तथा काव्य के उद्देश्य तथा प्रयोजन के संबंध में प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वानों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वानों, हिंदी साहित्य के आधुनिक भारतीय विद्वानों और इनके साथ साथ मनोविश्लेषण शास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा
कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत आचार्यों और संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने प्रायः काव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि सातवीं आठवीं शताब्दी से पूर्व साहित्य के जगह पर काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था और उसी के अंतर्गत सभी विधाओं को शामिल किया जाता था। आचार्य भरत मुनि बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी इनका समय काल है। पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है पंचम वेद, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में डील कर रहा हूं। पंचम वेद के रूप में मान्य अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के जिन संदर्भों अथवा जिन प्रयोजनों की चर्चा की है वे काव्य के लिए भी लागू होते हैं। नाट्य शास्त्र में उन्होंने नाटकों के बारे में बताया है, लेकिन वह काव्य के लिए भी लागू होते हैं, क्योंकि उस समय तक काव्य और नाटक में भेद नहीं किया जाता था। उनके समय में काव्य और नाटक को एक ही चीज समझी जाती थी, एक ही बात, दोनों को ही काव्य माना जाता था। तभी तो काव्येषु नाटकम् रम्यम् कहा जाता था, उस समय कहा जाता है काव्येषु नाटकम् रम्यम्। आचार्य भरत के द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन इस प्रकार है, तो यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, आचार्य भरत के अनुसार काव्य के कौन कौन से प्रयोजन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटक या अथवा काव्य का प्रयोजन क्या है? नाटक धर्म, यश, आयु, बुद्धि बढ़ाने वाला, हित साधक तथा लोकोपदेशक होता है, लोगों को उपदेश देने वाला होता है। नाटक से धर्म की वृद्धि होती है, धर्म की स्थापना होती है, यश की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है और लोगों का कल्याण होता है और लोगों को इसके माध्यम से उपदेश दिया जाता है। यह काव्य का प्रयोजन है अथवा नाटक का प्रयोजन है। इसके बाद आचार्य भामा प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में काव्य के प्रयोजनों पर विचार किया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कौन से प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन अथवा काव्य के उद्देश्य के ऊपर सबसे पहले विचार किया? तो वो हैं आचार्य भामा। और आचार्य भामा का क्या कहना है? आचार्य भामा ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो भारतीय संस्कृति के जो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको भी इन्होंने शामिल किया है काव्य के प्रयोजन में। इसके अतिरिक्त कला निपुणता, कला में निपुण होना, इसके बाद कीर्ति, कीर्ति मतलब यश और प्रीति मतलब आनंद, इन सभी को काव्य के प्रयोजन के रूप में निर्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में भामा ने प्रीति अथवा आनंद की प्राप्ति को मुख्य प्रयोजन माना है। आचार्य भामा के अनुसार ये प्रीति अथवा आनंद की जो प्राप्ति है यह मुख्य काव्य प्रयोजन है और इससे जो बाद में आने वाले जो आचार्य हैं वो इससे प्रेरित हुए हैं। आचार्य वामन का क्या कहना है? आचार्य वामन ने काव्य के दो प्रयोजन बताए हैं। प्रीति मतलब आनंद और कीर्ति मतलब यश। तो आनंद और कीर्ति, वे काव्य सृजन को यश अथवा प्रसिद्धि का सहज साधन मानते हैं। मतलब काव्य सृजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य, सहज उद्देश्य क्या है? यश की प्राप्ति, कवि को इससे प्रसिद्धि मिलती है। वामन ने काव्य प्रयोजन में सर्जक अर्थात कवि और भावक अर्थात सहृदय दोनों को महत्व दिया है, क्योंकि भावक को क्या मिलता है ना, उसको यश और प्रसिद्धि मिलती है और भावक को क्या है, आनंद मिल जाता है। इस प्रकार आचार्य वामन के अनुसार अच्छा कवि और सहृदय श्रोता पाठक दोनों को आनंद प्रदान करना है। अच्छे काव्य का क्या उद्देश्य है? अच्छा काव्य का उद्देश्य है कवि और श्रोता मतलब सहृदय और पाठक दोनों को आनंद प्रदान करना है। यह दृश्य प्रयोजन, यह प्रत्यक्ष प्रयोजन। प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या है? पाठक को और कवि को आनंद प्रदान करना, श्रोता और कवि को आनंद प्रदान करना। और बाद का प्रयोजन क्या है, प्रत्यक्ष प्रयोजन क्या है? जीवन के बाद भी कवि को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उसको कीर्ति प्राप्त होती है। मतलब कोई कवि यदि आज जीवित नहीं है तब भी वह बहुत ही प्रसिद्ध है, यह अदृश्य प्रयोजन है। जीवन काल में भी कवि को प्रसिद्धि मिलती है और जीवन के बाद में भी उसको प्रसिद्धि मिलती है। जैसे जीवन बीमा है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वैसे इनका कहना है कि कवि को जीवन काल में और जीवन के बाद भी मतलब मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति प्राप्त होती है। यह अदृश्य प्रयोजन है जो दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष। आचार्य कुंतक का क्या कहना है? आज जो मैं काव्य प्रयोजन की चर्चा कर रहा हूं तो आपको बता चुका हूं कि पहले साहित्य को काव्य कहा जाता था, सातवीं आठवीं शताब्दी से पहले काव्य जो साहित्य था उसको काव्य कहा जाता था। सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद से साहित्य शब्द ने जन्म लिया, जिसके अंतर्गत काव्य और कविता को भी शामिल कर लिया गया और जो काव्य के अंतर्गत केवल कविता ही आने लगा, ठीक है, ये समझिएगा। तो आचार्य कुंतक काव्य प्रयोजनों के विवेचन में आचार्य कुंतक में नवीनता और मौलिकता मिलती है। उन्होंने लोकोत्तर चमत्कार के आनंद को, लोकोत्तर चमत्कार मतलब अनिर्वचनीय आनंद जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसे बताया नहीं जा सकता, ऐसा आनंद जो इस लोक का आनंद नहीं है, पारलौकिक आनंद है,
इसके आनंद को धर्म अर्थ काम और मोक्ष से बढ़कर माना है। जो हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं भारतीय परंपरा में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनसे भी बढ़कर उन्होंने लोकोत्तर आनंद, जो इस दुनिया का आनंद नहीं है, उसे सर्वाधिक महत्व दिया है और इसे मोक्ष से भी बढ़कर माना है। उनकी दृष्टि में यह चारों पुरुषार्थों से बढ़कर है। आचार्य कुंतक का यह कहना है। आचार्य भोजराज का क्या कहना है? आचार्य भोजराज का यह ग्रंथ प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, सरस्वती कंठाभरण। आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में कीर्ति और प्रीति अर्थात आनंद, कीर्ति और प्रीति, प्रीति मतलब होता है आनंद, इसे ही काव्य प्रयोजन के रूप में निर्मित किया है। और इनके काव्य का जो प्रयोजन है यह वामन के द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों से समानता रखते हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य है, आचार्य मम्मट। और प्राय प्रत्येक बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट का एक तो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य प्रकाश है। और इसमें इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, तो यह भी पूछा जाता है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन है, तो 6 प्रयोजन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, इनमें से कौन सा आचार्य मम्मट के द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों में शामिल नहीं है? तो तीन चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश है। इसके बाद इन्होंने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। और तीसरा प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा आचार्य मम्मट के द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों में शामिल नहीं है? तो ये ध्यान में रखिए। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के कौन से 6 प्रयोजन बताए हैं? 6 उद्देश्य कौन से बताए हैं? यश की प्राप्ति, कवि को यश की प्राप्ति होती है, कवि को धन की प्राप्ति होती है, अर्थ होता है धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है, साहित्य को पढ़कर काव्य को पढ़कर लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होता है कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे समाज में जीवन यापन करना होता है, अनिष्ट का निवारण होता है, अमंगल का नाश होता है। जैसे कई घरों में अमंगल का नाश करने के लिए रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, और अपने अपने धर्मों के हिसाब से, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर विभिन्न धर्मावलंबी है, अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, पाठ कराते हैं, इससे उनके अनिष्ट का निवारण होता है, अमंगल का निवारण होता है और उत्कृष्ट आनंद की शीघ्र प्राप्ति होती है। मतलब काव्य अथवा साहित्य को पढ़कर हमका तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। और कांता सम्मित उपदेश, मतलब बहुत ही मधुर भाषा में, मधुर वाणी में उपदेश भी हमको दिया जाता है। जैसे कहीं कहीं पर श्रीमद भागवत पुराण होता है तो हम जाकर वहां पर सुनते हैं, तो वहां पर हम आनंद भी लेते हैं और हमको उपदेश भी प्राप्त हो जाता है। तो यह उद्देश्य है। आचार्य हेमचंद, आचार्य हेमचंद द्वारा दिए गए काव्य हेतुओं में क्या क्या शामिल है? आनंद, यश की प्राप्ति और कांता समित उपदेश। कांता समित उपदेश मतलब बहुत ही प्यार से किसी को समझाना, मधुर भाषा में, मधुर वाणी में किसी को समझाना, इसे कहते हैं कांता समित उपदेश। और इसमें ये तीन तो इन्होंने बता दिए, तीन उद्देश्य हैं, आनंद, यश प्राप्ति और कांता समित। और सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने किसको बताया है? आनंद प्रमुख है, क्योंकि इसका संबंध रचनाकार से भी होता है, रचनाकार को रचना के बाद आनंद प्राप्त होता है, और सहृदय मतलब जो पाठक या श्रोता है वह भी काव्य से आनंद उठाता है। जबकि यश का संबंध किससे होता है? केवल कवि या सर्जक से होता है। जो यश अथवा प्रसिद्धि का संबंध किससे होता है? जो उसका सर्जक है, जो उसका लेखक है, जो उसका कवि है, उससे होता है। और जो कांता समित उपदेश है, इसका संबंध किससे होता है? सहृदय से होता है। किसको उपदेश दिया जाता है? पाठक अथवा श्रोता को उपदेश दिया जाता है, इसे ही हम कहते हैं सहृदय। तो आप समझ गए होंगे। आचार्य विश्वनाथ, आपको मैं बता रहा हूं आज के मेरे लेक्चर बहुत से धैर्य से देखना है आपको, क्योंकि 10-12 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और आप साहित्य के उद्देश्य अथवा प्रयोजन को भी समझ पाएंगे। और बहुत ही आप धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहें, जब अब मेरा यह लेक्चर खत्म होगा तब आपको जरूर पता चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ, आचार्य साहित्य दर्पण प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण। तो एक प्रश्न ये बन गया आपका। आचार्य विश्वनाथ का सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है, ये इनका लक्षण ग्रंथ है। साहित्य दर्पण क्या है? लक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्य के लक्षण के बारे में बताए गए हैं। इन्होंने अपने काव्य प्रयोजन में धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को महत्व दिया है, चारों पुरुषार्थों को इन्होंने महत्व दिया है, और इनकी प्राप्ति काव्य के माध्यम से आनंद पूर्वक हो जाती है। मतलब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, जो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति बहुत ही आनंद पूर्वक हो जाती है, ये इनका उद्देश्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति मतलब यश या प्रसिद्धि, परम आह्लाद मतलब परम आनंद, और देवताओं की कृपा प्राप्ति, इन तीन बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने परम आनंद को ब्रह्मानंद स्वरूप स्वीकार किया है। परम आह्लाद को ब्रह्मानंद मतलब
यह अनिर्वचनीय आनंद है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ब्रह्मानंद को हम केवल महसूस कर सकते हैं और रसानुभूति को वे श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन मानते हैं। मतलब रस की अनुभूति, किसी काव्य को किसी साहित्य को पढ़कर रस की जो अनुभूति होती है उसे ही वे कहते हैं श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन है। इस प्रकार संस्कृत काव्य शास्त्र में जितने भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके समग्र अवलोकन से हमको क्या क्या पता चलता है कि उन्होंने समेकित रूप से समग्र रूप से क्या बात कही है कि साहित्य के मुख्य रूप से दो प्रयोजन होते हैं, पहला होता है आनंद की प्राप्ति और दूसरा होता है विचारों का परिष्करण। विचारों का परिष्करण मतलब विचारों को शुद्ध करना, विचारों को परिष्कृत करना, यही दो काव्य के मुख्य प्रयोजन होते हैं। तो इस प्रकार हमने संस्कृत के प्राचीन आचार्यों के विचारों का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य अथवा प्रयोजन क्या है, मतलब जो वेस्टर्न जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं उनका क्या कहना है। साहित्य अथवा काव्य के उद्देश्य या प्रयोजन के संबंध में पाश्चात्य कवियों और समीक्षकों ने गंभीर चिंतन किया है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांतों में काव्य प्रयोजनों की भी चर्चा मिलती है। तो उन्होंने जो काव्य के सिद्धांत दिए हैं, जो आलोचना के सिद्धांत दिए हैं, उसमें उन्होंने काव्य के प्रयोजन की चर्चा की है। इनके द्वारा धर्म, नीति, सौंदर्य, कला और आनंद आदि के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजन पर विचार किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से इन्होंने विचार किया है, नीतिगत दृष्टि से इन्होंने विचार किया है, सौंदर्यात्मक दृष्टि से विचार किया है, कला की दृष्टि से विचार किया है और आनंद की दृष्टि से काव्य के प्रयोजन अथवा उद्देश्य पर विचार किया है। सबसे प्राचीन दार्शनिक है यूनान के दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा है आइए देख लेते हैं। प्लेटो को प्राय हम कोट करते रहते हैं। प्लेटो की धारणा कवि और काव्य के प्रति उदात्त नहीं है। ये कवि और काव्य के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं रखते थे। उनके विचारों में एकांगीपन अधिक लक्षित होता है क्योंकि ये अपने आदर्श गणराज्य में किसी कवि को अपना स्थान देना नहीं चाहते। वे मानते हैं कि काव्य से मिथ्या अर्थात झूठी कल्पना प्रसूत अभिव्यक्ति तथा भावों का उत्तेजन होता है जिससे आदर्श राज्य की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इन्होंने आदर्श राज्य तो आदर्श गणराज्य की जो कल्पना की है उसमें इनका यह मानना है कि जो कविता होती है, जो काव्य होता है, वह काल्पनिक अथवा भावनात्मक चीजों पर आधारित होती है जो लोगों की भावनाओं को भड़का देती है। कविता इससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और इससे आदर्श राज्य की व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन प्लेटो उस काव्य को महत्व देते हैं जिसमें नैतिक उपदेश हो जो राज्य तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार वे काव्य अथवा कविता को नैतिकतावादी दृष्टिकोण से और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। जिस काव्य में कोई नैतिक उपदेश प्राप्त होता है, जिस काव्य में जो काव्य समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज के लिए लोक कल्याणकारी है, उस कविता को वे महत्व देते हैं। अर्थात प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। प्लेटो के अनुसार लोगों का कल्याण लोक मंगल काव्य का चरम लक्ष्य है, सर्वप्रमुख लक्ष्य है। इनके जो शिष्य हैं अरस्तु, इनका कहना क्या है, अरस्तु के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार प्लेटो से भिन्न है। वे प्लेटो अपने गुरु जो प्लेटो हैं उनके विचारों से वे सहमत नहीं है। उन्होंने काव्य से मनोवेगों के उत्तेजन संबंधी प्लेटो के आरोप का अपने विरेचन सिद्धांत में समाधान भी प्रस्तुत किया है। प्लेटो कहते हैं कि हमारी भावनाओं को भड़का देता है, हमारे मन को उत्तेजित कर देता है, मनोवेगों को भड़का देता है। लेकिन अरस्तु ने जो अपना विरेचन सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारी भावनाएं चरम पर पहुंच जाती है और जब हमारी भावनाएं चरम पर पहुंच जाती है तो उनका विरेचन हो जाता है, उसके बाद हमको आनंद की अनुभूति होती है। उसको आपको मेरा दोनों लेक्चर देखना पड़ेगा। प्लेटो और अरस्तु के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो यह लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के माध्यम से जो प्लेटो ने कहा है कि मनोवेगों में उत्तेजन हो जाता है उसका जवाब दिया है विरेचन सिद्धांत के माध्यम से। अरस्तु की दृष्टि में काव्य का उद्देश्य क्या है, विरेचन के माध्यम से मनोवेगों या मनोविकारों का शमन एवं परिष्कार करना है। मतलब हमारे जो इंपल्सेस होते हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां होती है, जो तीव्र भावनाएं होती हैं, जो भावनाओं का जो आवेग होता है, जो तीव्रता होती है, या जो मनोविकार होते हैं, जो गलत भावनाएं होती हैं, उनका शमन कर देता है, उनका नाश कर देता है, उनका परिष्कार करना काव्य का उद्देश्य है। इस प्रकार अरस्तु मुख्य रूप से आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, क्योंकि जब हमारे मन से दूषित विचार दूर हो जाते हैं तब हमको आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति ठीक हो गया उसके बाद वो आनंदित रहने लगता है। जैसे आपका कोई फोड़ा हो गया, कुछ हो गया, उसको ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आप आनंदित जीवन व्यतीत करते हैं। यही कहना है आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। लोंजाइनस उदात्त तत्व को इन्होंने महत्व दिया है। उदात्त मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सबलाइन। उदात्त तत्व को महत्व करने वाले लोंजाइनस की दृष्टि में भव्यता मतलब बहुत ग्रेट होना चाहिए काव्य कविता को, और उदात्तता की अभिव्यक्ति
काव्य का मुख्य प्रयोजन है। मतलब काव्य में क्या क्या होना चाहिए, सबलाइन थॉट्स होने चाहिए और सबलाइन एक्सप्रेशन होने चाहिए, श्रेष्ठ विचार भी होने चाहिए और उसकी श्रेष्ठतम तरीके से भव्य तरीके से उसकी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, यही काव्य का प्रयोजन है। दांते नाम के एक और विद्वान हुए इटली के, सुप्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक दांते ने काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया है। अच्छा, आप लोगों को बता नहीं पाया तो ये जो अभी दो में बताया प्लेटो और अरस्तु, इनसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करते करते मैं भूल ही गया कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें बताऊं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। दो क्वेश्चन ये भी हो गए आपके। लुंजाइनेस सबलाइन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, उदात्त का सिद्धांत इन्होंने दिया है, मेरा लेक्चर आप देख सकते हैं चाहे तो, जितने भी बातें बता रहे हैं इसमें सभी पर मैंने लेक्चर्स यहाँ पर बनाया हुआ है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिसे छात्रों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो लुंजाइनेस सबलाइन या फिर उदात्त की अवधारणा इन्होंने दिया है, उदात्त के पांच तत्व होते हैं, आप जाकर देखें। दांते का कहना क्या है, इटली के सुप्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक दांते काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्वीकार करते हुए कहते हैं, काव्य का उद्देश्य अंततः और पूर्णता व्यक्तियों को दुख की अवस्था से हटाकर सुख की स्थिति की ओर ले जा रहा है, इनका दुख दूर करना है और सुख की ओर लेके जाना है, दांते जी का कहना है। फिलिप सिडनी का, सर फिलिप सिडनी का क्या कहना है, सर फिलिप सिडनी के अनुसार मानवीय सद्गुणों की प्रेरणा काव्य का प्रयोजन है, मतलब लोगों के जो मानवीय गुण है, मानवीय सद्गुण है, उनको जगाना, उनको प्रेरित करना काव्य का उद्देश्य है, मतलब लोगों में सद्गुण का विकास करना, सद्गुणों का विकास करना काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन का क्या कहना है, ड्राइडन आह्लाद में शिक्षा, आह्लाद में शिक्षा मतलब किसी को शिक्षा प्रदान करना और बहुत ही आनंद पूर्वक कि वह शिक्षा भी प्राप्त करे और उसे आनंद भी महसूस हो, इसको काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आह्लाद पर उन्होंने विशेष बल दिया है, आह्लाद मतलब खुशी या आनंद का उन्होंने अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार स्वांता सुखाय मतलब खुद की खुशी और परिजन हिताय लोगों का कल्याण काव्य के दो प्रयोजन है। इनके अनुसार खुद की खुशी मतलब जो साहित्यकार है स्वयं प्रसन्न होता है साहित्य की रचना करके, और परिजन हिताय और उसके साहित्य से उसके काव्य से लोगों का भी हित होता है, लोगों का भी कल्याण होता है, डायडम का कहना है। एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज का क्या कहना है, ये स्वच्छंदतावादी समीक्षक है और इन्होंने क्या कहा है, सौंदर्य के माध्यम से आनंद की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्राप्त हो, इनका क्या कहना है, सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्राप्त हो यही काव्य का उद्देश्य है। मतलब काव्य में किसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सौंदर्यजनक भावनाओं सौंदर्यजनक विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जिससे लोगों को आनंद प्राप्त हो। मैथ्यू आर्नल्ड का क्या कहना है, ये मूल्यवादी समीक्षक है। मैथ्यू आर्नल्ड ने मनुष्य के आत्मिक विकास, मनुष्य की आत्मा का विकास होना चाहिए और सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज भी डेवलप होने चाहिए, इसको अधिक महत्व दिया है। मतलब मनुष्य का भी मतलब व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान होना चाहिए, व्यक्ति की आत्मा का विकास होना चाहिए आत्मिक विकास, और सोशल वैल्यूज भी समाज में नए मूल्य भी जागृत होने चाहिए, इसे अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है। साहित्य का उद्देश्य क्या है, जो हमको जीवन मिला हुआ है जो सांसारिक जीवन है उसकी व्याख्या करना, मतलब जो लोगों के गुण दोष का विवेचन करना, लोगों को बताना कि क्या सही है समाज के लिए, क्या सही है क्या गलत है, जीवन की व्याख्या करना। लियो टॉलस्टॉय बहुत ही महान लेखक है रूस के। लियो टॉलस्टॉय प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार हैं और विचारक हैं। उन्होंने काव्य के प्रयोजन के रूप में क्या क्या बताया, नैतिकता है ना, मॉरलिटी डेवलप होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए लोगों के। तो काव्य का क्या क्या प्रयोजन है, नैतिकता प्रेम भाव और लोकहित, लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास हो, आपस में प्रेमपूर्ण सहसंबंध विकसित हो और लोगों का हित हो या कल्याण हो, ये हो गए ठीक है। तो पाश्चात्य विद्वानों में जो प्लेटो हैं, रस्किन हैं, टॉल्स्टॉय हैं, इत्यादि विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन माना है। लोक मंगल मतलब लोक कल्याण, लोगों का कल्याण, तो ये समझ लिए होंगे आप। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, कविता साहित्य की लोकप्रिय और पारंपरिक विधा है। कविता को, कविता बहुत ही लोकप्रिय है ना, कविता जो है साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, और इसको परिभाषित करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आपको याद कर लेना है। पोएट्री इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, मतलब यह है कि कविता और कुछ नहीं भावों का अविरल प्रवाह है, मतलब जब किसी कवि में जब भावनाएं पूरी भर जाती है पूरी तरह से, तो कविता के रूप में बहने लगती है। जैसे आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं, बाल्टी में जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो फिर ओवरफ्लो होने लगता है, बाल्टी से पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी कवि में
जब भावनाएं भावनाओं से जब बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है तो उसकी भावनाएं बहकर बाहर आने लगती है और इसे कहा जाता है भावों का अविरल प्रवाह। शैली शैली क्या कहते हैं, शैली भी एक बहुत महान राइटर है। और स्वीटेस्ट मेलोडी हैज बीन संग एट द सैडेस्ट मोमेंट, अर्थात जीवन के मधुरतम गीतों की रचना उदासी भरे क्षणों में होती है। मतलब जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो काव्य अथवा कविता लिखी गई है, काव्य लिखा गया है, उसकी रचना कब हुई है, उदासी भरे क्षणों में होती है, इनका यह मानना है। मतलब जो जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी होता है, कोई कवि बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो उसके दिल से निकली हुई जो आवाज होती है वही क्या है, कविता है, इनका कहना है। अब हिंदी साहित्यकारों के क्या विचार है यह देख सकते हैं। हिंदी साहित्यकारों की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य या साहित्य का प्रयोजन क्या है, तो मेरे हिसाब से आप लोग आज के लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। और अगर देखते हुए यहां तक आ चुके होंगे तो निश्चित रूप से आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और यदि मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही इस लेक्चर को अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा। और मेरा यह वादा है कि किसी कोई भी परीक्षा आप दे रहे होंगे, 10-12 प्रश्न इस लेक्चर से जरूर आएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया है। गोस्वामी तुलसीदास का क्या कहना है, गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांता सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना है। स्वांता सुखाय मतलब खुद की खुशी। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजिल मात नेती मात नोती, ये बहुत ही फेमस इनका कोटेशन है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है तुलसीदास जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें, जहां जहां मैं MP इंपॉर्टेंट बता रहा हूं पूरी तरह से याद रखें। तो इन्होंने एक तो स्वांता सुखाय बता दिया, खुद की खुशी, और दूसरा उद्देश्य इन्होंने क्या बताया, इसके साथ साथ तुलसीदास जी ने साहित्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है, तीरति भनति भूति भली सोई सुर सरी सम सब का हित होई। यह बहुत ही फेमस इनका स्टेटमेंट है, इनकी पंक्तियां हैं जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात कीर्ति, कीर्ति मतलब यश या प्रसिद्धि, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिससे बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के सबका कल्याण हो। जैसे देव नदी गंगा अपने जल की शीतलता, अपनी सहजता, अपनी सरसता और औचित्यमयता से सबका हित साधन करती है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, उसका भी कल्याण करती है, वह नहीं देखती कि यह बहुत ही पवित्र आत्मा है या पापी है ना, उसका काम है सबका कल्याण करना। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने साहित्य का प्रयोजन क्या बताया है? कि क्या साहित्य का जो भी साहित्य की रचना करता है तो उसको कीर्ति मिलती है, या फिर उसकी जो कविता है और किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वही उत्तम होती है जिसे बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण होता है। तो इस प्रकार तुलसीदास के अनुसार साहित्य के दो मुख्य प्रयोजन है, स्वांता सुखाय और बहुजन हिताय, लोक हिताय। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों और आधुनिक आचार्य आलोचकों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में चिंतन किया है। रीतिकालीन कवियों के काव्य प्रयोजन के निरूपण में संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। तो थोड़ा हम रीतिकालीन कुछ कवियों को भी देख लेते हैं, इन्होंने जो काव्य प्रयोजन बताया है वो वास्तव में किससे प्रेरित है, जो प्राचीन संस्कृत के आचार्य हुए हैं उनके ग्रंथों पर आधारित है। तो हिंदी के रीतिकालीन जो कवि हैं उन पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन का सशक्त प्रभाव रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्राय आप जो प्रश्न आजकल पूछा जाता है, जो मतलब ये कारण और उसका वो दिया जाता है उद्देश्य और कारण, या फिर तर्क और कोई कारण दे देगा, कोई स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक सही है, दो सही है, एक गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है, या फिर कारण सही है, इसका जो व्याख्या गलत है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, तो यह सब डिटेल में आपको समझना जरूरी है, इसलिए मेरा लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का। इसको आप जरा भी स्किप मत करें और ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है ना। आचार्य कुलपति मिश्र का क्या कहना है, आचार्य कुलपति मिश्र ने क्या बताया काव्य का प्रयोजन, यश धन और आनंद और व्यवहार ज्ञान, इन्होंने चार बातें बताई है, यश मतलब प्रसिद्धि, धन की प्राप्ति, आनंद और व्यवहार का ज्ञान। देवदत्त देवकवि का क्या कहना है, देव ने केवल यश को ही काव्य का सर्वोत्तम प्रयोजन माना है, तो ज्यादा इसमें याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आचार्य सोमनाथ ने क्या कहा है, यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, आचार्य सोमनाथ का लक्षण ग्रंथ कौन सा है, रस पीयूष निधि, ये लक्षण ग्रंथ है, लक्षण मतलब काव्य के लक्षण बताए जाते हैं इसमें। आचार्य सोमनाथ का लक्षण ग्रंथ क्या है, रस पीयूष निधि है। इसमें इन्होंने क्या बताया, काव्य का उद्देश्य कीर्ति, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मनोरंजन, मंगल, मंगल मतलब लोगों का कल्याण, लोक कल्याण, और उपदेश, लोगों को उपदेश देना,
इनके अनुसार से ये काव्य के प्रयोजन है। आचार्य भिखारीदास ने क्या कहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आचार्य भिखारीदास का प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ कौन सा है, काव्य निर्णय। वास्तव में एक प्रकार से रिविजन है मेरा ये जो टॉपिक है, आपने जो भी पढ़ा होगा उसका रिविजन ही मानकर चलिए। तो आचार्य भिखारीदास का प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ कौन सा है, काव्य निर्णय है। और इस ग्रंथ में इन्होंने क्या क्या बताया, तप सिद्धि, तपस्या की सिद्धि है ना, तपस्या का परिणाम, संपत्ति की प्राप्ति, यश, यश की प्राप्ति मतलब प्रसिद्धि की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि और सहज रूप में शिक्षा की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन कहा है। आनंद भी प्राप्त होता है स्वाभाविक रूप से, शिक्षा भी प्राप्ति होती है, यश भी मिलता है, धन भी मिलता है, तपस्या तपस्या भी सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य निर्णय, लक्षण ग्रंथ है। अब हम देखते हैं हिंदी के आधुनिक युग के साहित्यकार, अभी इन्होंने रीतिकालीन साहित्यकारों को देखा, तो आधुनिक युग के हिंदी के साहित्यकारों ने ना तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों का अनुकरण किया, उसको भी इन्होंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, संस्कृत के जो काव्य शास्त्री हुए प्राचीन उनको इन्होंने आग मूंद कर फॉलो नहीं किया, और न ही रीतिकालीन आचार्यों की परिपाटी का अनुगमन किया, न तो इन्होंने रीतिकालीन कवियों को फॉलो किया न ही प्राचीन काव्य शास्त्रियों को, बल्कि इन्होंने अपने अपने विवेक से अपने अपने ज्ञान के आधार पर इन्होंने साहित्य के उद्देश्य निर्धारित किए। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर शामिल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विभिन्न पक्षों पर चिंतन किया है। वे लोकहित मतलब लोगों का कल्याण, आनंद की प्राप्ति तथा नीति एवं सात्विक भावों के उन्नयन को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इनके अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या क्या है, लोकहित लोगों का कल्याण, आनंद प्रदान करना, नीति मतलब उनमें नैतिकता और ज्ञान की वृद्धि करना, और सात्विक भाव जो अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, जो श्रेष्ठ गुण हैं उनका उन्नयन करना, उनका ऊपर उठाना काव्य का प्रयोजन मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी साहित्य का मुख्य प्रयोजन उन्होंने किसे माना है, आचार्य महावीर प्रसाद, ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में ज्ञान और मनोरंजन, ज्ञान और मनोरंजन साहित्य के मुख्य प्रयोजन है, ठीक है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद एवं मंगल की सिद्धि काव्य का मूल एवं व्यापक प्रयोजन है। एक तो आनंद प्राप्त होना चाहिए इसके द्वारा जो कवि या साहित्यकार है उनको भी और पाठक को या श्रोता को भी, और दूसरा मंगल की सिद्धि, लोगों का कल्याण भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास इनके प्रिय कवि है, इनके आदर्श कवि है, तुलसीदास जी का कहना क्या है, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय अथवा लोक हिताय है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या कहते हैं, आनंद और मंगल की सिद्धि काव्य का मूल है, व्यापक प्रयोजन है। और इसके दो रूप हैं, साधनावस्था और सिद्धावस्था। इसके ऊपर मैंने काव्य की लोक मंगल की साधनावस्था करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जिस पर मैंने लेक्चर अपलोड किया, उसको भी जाकर जरूर देखें। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसमें मैंने आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था पर विस्तृत चर्चा किया है, और वह जो आपके परीक्षाओं में वह निबंध भी शामिल है तो उसको जाकर आप जरूर देखें। उस पर मैं यहां ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। वे सौंदर्य के माध्यम से आनंद और लोक मंगल के विधान को काव्य का प्रयोजन निरूपित करते हैं। मतलब सौंदर्य के माध्यम से काव्य में सौंदर्य भी होना चाहिए, साहित्य में सौंदर्य भी होना चाहिए, और उसके माध्यम से आनंद भी प्राप्त होना चाहिए और लोक मंगल का विधान भी होना चाहिए, लोगों के कल्याण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शुक्ल जी ने काव्य के प्रयोजनों का निर्माण प्रायः सामाजिक दृष्टि से किया है। इन्होंने काव्य के प्रयोजनों को प्रायः सामाजिक दृष्टिकोण से देखा है, किसको समाज को क्या फायदा हो रहा है, लोगों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रायः परीक्षा में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। चिंतामणि भाग एक में उन्होंने एक निबंध लिखा है, कविता क्या है, एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया है, कविता क्या है ना, किसका निबंध है। इन्होंने काव्य के प्रयोजन का व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। मतलब मनुष्य के मन में जो स्वार्थी, स्वार्थ की जो भावना होती है, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, इस टाइप का, या फिर अपने निजी स्वार्थों के लिए, इससे उसको ऊपर उठाती है कविता। और उसको ऊपर उठाकर कहां ले आती है, लोक सामान्य भाव भूमि पर, जब वो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाता है और उसका पूरा संसार, उसकी संवेदना का विकास होता है, पूरे संसार की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा होती है, पूरे संसार के सुख दुख को वह अपना सुख दुख समझने लगता है,
और उसकी संवेदना का, उसकी चेतना का विस्तार होता है। कविता ही मनुष्य को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। मनुष्य की प्राकृत अवस्था क्या होती है? प्रकृत अवस्था क्या होती है? मतलब जो हमारी प्राकृतिक अवस्था है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, स्वाभाविक रूप से किसी के प्रति उनके मन में छल, द्वेष, कपट ये सब नहीं होता, घृणा की भावना नहीं होती, मासूम होते हैं नेचुरल। वैसे ही कविता मनुष्य को प्रकृति दशा में लेकर जाती है और जगत के बीच इस भावना का प्रसार करती है कि लोग सहज रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, और इस प्रकार वह कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि पर लेकर जाती है, जहां छल, कपट, स्वार्थ इस प्रकार के जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका कोई स्थान नहीं होता, बल्कि लोगों की हृदय और संवेदना का विकास होता है और पूरे परिवार उन्हें अपना ही परिवार प्रतीत होता है, उनके सुख दुख जय विजय को अपना सुख दुख जय विजय समझकर महसूस करते हैं। अब ये इनका एक और कथन यह भी महत्वपूर्ण है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी के सर्वाधिक समर्थ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता यह है कि प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना, अनुरंजित करना मतलब मन को खुशी पहुंचाना या उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री हुई। विलास की सामग्री मतलब जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं या फिर हम कोई डांस प्रोग्राम में डांस देखने जाते हैं या फिर गाना सुनने जाते हैं या फिर और कहीं जाते हैं, है ना, कैफेटेरिया में जाते हैं या फिर और कहीं भी जाते हैं, तो कविता वास्तव में मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि कविता के माध्यम से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो आनंद किस प्रकार का आनंद है? जिससे लोगों का कल्याण भी होता है। तो कविता कोई विलास की सामग्री नहीं है, बल्कि यह बहुत ही बड़ी चीज है। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। काव्य वस्तु के साथ सामाजिक का तादात्म्य अर्थात मनुष्यता की शिक्षा ही काव्य का लक्ष्य है। मतलब काव्य के साथ हमको दिव्य अनुभूति भी प्राप्त होती है, हमें आनंद दिव्य आनंद भी प्राप्त होता है और हमें उच्च गुणों का विकास भी होता है और हम अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ हार्मनी स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं, यही काव्य का लक्ष्य है। शुक्ल जी कविता को और हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है, यह सेंटेंस परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसी ने कहा है कि कविता हृदय की मुक्तावस्था है, ठीक है, हृदय की मुक्तावस्था किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता को और हृदय की मुक्तावस्था कहकर इसे संज्ञा दिया है। इस प्रकार इन्होंने आनंद को प्राथमिकता प्रदान किया है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग एक की कविता क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है इनका। प्राय छात्र मुझे बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर जो सेंटेंस उन्होंने जो बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर लेक्चर बना दिए, तो ये बहुत सारी चीजों को मैंने इसमें समेट लिया है और सभी सेंटेंस इनके जो भी वाक्य हैं, जो भी कथन है, जो भी इन्होंने स्थापनाएं दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का परीक्षा का पैटर्न भी ऐसी है, कार्य कारण संबंध को आपको ध्यान में रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह ही कविता है। मतलब खुद को छोड़कर पूरी दुनिया के साथ जो रागात्मक संबंध है, जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों की रक्षा करना, पूरे संसार के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करना और उसकी रक्षा करना, यही कविता है। वे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कविता हमें स्व के संकीर्ण दायरे से बाहर निकालकर लोक हृदय में लीन होने की दशा में ले आती है। मतलब हम स्वार्थ की जो हमारे अंदर जो भावना है, जो स्व की भावना है, जो अहम की भावना है, जो घमंड की भावना है, जो हमारे अंदर ईगो है, इसको कविता दूर कर देती है और तभी हम लोगों के साथ, अपने समाज के साथ हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, उनके मन की भावनाओं को समझ पाते हैं, ठीक है, उनके संवेदनाओं को, उनके दुख और सुख को समझ पाते हैं जब हमारे मन से हमारा स्व की भावना है, जो ईगो की भावना है, जो अहम है, जो घमंड है, वह पूरी तरह से दूर हो जाता है, तभी तो हम दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे, लोक हृदय में लीन हो पाएंगे, उनके हृदय में जो संवेदना है, जो हृदय में जो भावना है, उसको समझ पाएंगे। अब आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके तो एक एक सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, पहला प्रश्न आ गया आपका, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और द्विवेदी जी की काव्य प्रयोजन संबंधी धारणा मुख्यतः मानवतावादी है। तो ये मानवतावादी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के आलोचक है ये? मानवतावादी आलोचक है। मानवतावादी मतलब मानव का कल्याण, मानव मात्र का कल्याण, मानव मात्र का हित, इसे कहा जाता है मानवतावादी, ठीक है। तो इनके काव्य प्रयोजन, काव्य उद्देश्य संबंधी जो धारणा है मानवतावादी धारणा है। आज के भी मेरे लेक्चर में जो एक एक सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपकी चेतना के विकास के दृष्टिकोण से कि साहित्य क्या है, उसको वास्तव में यदि आप सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं
तो मेरे लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना भी नहीं होता, बल्कि आपको पढ़ना सिखाना भी होता है। मैं पढ़ाने पर यकीन नहीं रखता, मैं आपकी चेतना को विकसित करना चाहता हूं, ताकि आप में चीजों को आप समझ रहे हैं कि दृष्टिकोण विकसित हो, आप स्वयं मंथन कर सके, चीजों पर विचार विमर्श कर सके, उन पर बहस कर सके। ठीक है, ये बहुत जरूरी है साहित्य के छात्र के लिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कहना है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसको तो पूरे वर्ड टू वर्ड आप याद कर लीजिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस निबंध में वे लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। मनुष्य की दृष्टि से मतलब कि वह साहित्य मानव के लिए, मनुष्य जीवन के लिए कितना उपयोगी है, सार्थक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वस्तुतः काव्य या कला का प्रयोजन जीवन के लिए मानते हैं। मतलब काव्य और कला की रचना का उद्देश्य क्या है, जीवन के लिए वह उपयोगी होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। इनका दृष्टिकोण क्या है, मानवतावादी है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मानवतावादी आलोचक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मानवतावादी क्या बता चुका हूं। इस संदर्भ में उनका कथन है कि साहित्य के उत्कर्ष या आपकर्ष के निकट की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। मतलब साहित्य को जांचने का, मापने का मापदंड क्या होना चाहिए, साहित्य को किन मापदंडों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जानी चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, उसके महत्व को आकलन किया जाना चाहिए, वह सिर्फ यही है कि वह मनुष्य का कल्याण करती है, करता है ना, उसकी कसौटी है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। मतलब साहित्य लोगों का कल्याण करता है कि नहीं, यही उसकी कसौटी है कि वह महत्वपूर्ण है कि नहीं। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल के ऊपर नहीं उठता, वह ताज्य। मतलब यदि कोई मनुष्य में मनुष्यता का विकास न कर सके, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही अपराधी है या फिर घृणित है या फिर कुछ ऐसा बदमाश व्यक्ति है, उसको यदि वह उसकी स्थिति से ऊपर नहीं उठाता है, कोई शराबी है, कोई जुआड़ी है, बहुत सारे उसमें बुराइयां हैं किसी व्यक्ति में, यदि साहित्य को पढ़कर सुनकर या देखकर नाटक वगैरह को यदि उसमें अच्छे गुणों का विकास नहीं होता है, तो वह त्याज्य है, वैसे साहित्य का कोई मतलब नहीं है। मतलब साहित्य लोकोपयोगी होना चाहिए, जैसा पेटों का भी कहना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित मानते हैं। साहित्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जाति का हित। ये आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाने वाला है सेंटेंस। उनकी स्पष्ट मान्यता है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूं। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा ना सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मतलब जो मनुष्य का उत्थान न कर सके, जो मनुष्य की दुर्गति का निवारण न कर सके, जो मनुष्य को की संवेदना का विकास न कर सके, जो मनुष्य को संवेदनशील न बना सके, जो दूसरों के दुख को समझने के काबिल न बना सके, है ना, और जो मनुष्य की हीनता की ग्रंथि को दूर न कर सके, उसमें जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको दूर न कर सके, तो वह साहित्य कहलाने लायक नहीं है, इनका कहना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का समन्वय किया इन्होंने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मतलब किस आलोचक ने काव्य प्रयोजन संबंधी चिंतन में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारों का समन्वय किया है, तो ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान कराना। मार्मिक मतलब बहुत ही भावुक, हमारे हृदय को छू लेने वाली किसी स्वरूप और स्थिति का ज्ञान कराना ही साहित्य का उद्देश्य है। मतलब जीवन के मार्मिक क्षणों की व्याख्या करना, उसको प्रतिबिंबित करना, उसको साहित्य में परिलक्षित करना, उसका चित्रांकन करना साहित्य का उद्देश्य है। और उनकी मान्यता है कि हास्य या मनोरंजन के लिए रचित साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व नहीं होता। जिस साहित्य की रचना केवल हास्य के लिए अथवा लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है, उसमें युग का प्रतिनिधित्व नहीं होता, वह युग उसमें युग प्रतिबिंबित नहीं होता। उनकी दृष्टि में साहित्य राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी है। मतलब वही साहित्य महत्वपूर्ण है जो हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी अथवा महत्वपूर्ण है। तो ये एक लाइन में जो आखिरी जो लाइन है, यह आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। ये जो लास्ट में जो लाइन है, निष्कर्ष वाजपेयी जी की दृष्टि में आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है। इन्होंने एक निबंध भी लिखा है, इनकी दृष्टि में आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है, इसको आपको याद कर लेना है। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, आत्मानुभूति मतलब खुद की अनुभूति को महसूस करना, है ना, आत्म की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति को महसूस करना और अपनी अनुभूति को क्या करना, काव्य अथवा साहित्य का रूप दे देना।
आत्मानुभूति क्या है? काव्य का प्रयोजन है अपनी अनुभूतियों को काव्य का रूप दे देना, अपनी भावनाओं को काव्य के रूप में प्रकट कर देना। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है? डॉक्टर नगेंद्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तथ्यों से युक्त है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले आलोचक हैं। और इन्होंने क्या कहा है? वे आत्माभिव्यक्ति को साहित्य का मूल तत्व माना है। आत्माभिव्यक्ति मतलब आत्म की अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति को साहित्य का मूल तत्व मानते हैं। आत्माभिव्यक्ति से कवि या लेखक को सृजन सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा भी मतलब स्वयं को अभिव्यक्त कर देना। जैसे आपने देखा होगा जो छायावादी जो कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा खासकर, तो उन्होंने अपनी निजी अनुभूतियों को, आत्माभिव्यक्तियों को उन्होंने लोगों की समाज की अनुभूति बना दिया है, साधारणीकरण कर दिया है। इससे लेखक को सृजन सुख की प्राप्ति होती है। तो इनका उद्देश्य क्या है? आत्माभिव्यक्ति, खुद की अपने निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति, आत्म की अभिव्यक्ति। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के दृष्टि में काव्य के दो प्रयोजन है, यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के दृष्टि में काव्य के मुख्यतः दो प्रयोजन है, आनंद और लोक मंगल, लोगों का कल्याण। और इन दोनों में भी इन्होंने आनंद को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि आनंद की व्यापक परिधि में ही लोगों के हित की भावना भी निहित होती है। और जब लोगों का हित होता है तो लोगों में आनंद की भी उपलब्धि होती है। जब लोगों का कल्याण होता है, कुछ अच्छा काम हो जाता है, तो लोग खुश भी हो जाते हैं, आनंद भी प्राप्त हो जाता है। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्राय परीक्षा में भी पूछा जाता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के काव्य प्रयोजन संबंधी विचारों में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतन का समन्वय है। इन्होंने दोनों भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जितने भी काव्य और साहित्य पर विचार किए गए हैं उनका इन्होंने समन्वय किया है। और इन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं। काव्य के उद्देश्य क्या बताया इन्होंने? कला कला के लिए, मतलब कला का निर्माण सिर्फ कला के लिए होता है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं होता, पहला तो ये हो गया। और दूसरा उद्देश्य होता है कला जीवन के लिए, कला कला के लिए एक बार बता दिया। एक तो उद्देश्य हो गया कला कला के लिए कि हमको भाई हमको कविता लिखना है तो लिखना है, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। दूसरा कला जीवन के लिए, कुछ कवि ऐसे हैं जो लिखते हैं लोगों के लिए, इससे लोगों का कल्याण हो। तीसरा कला जीवन से पलायन के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए आपका दुख दर्द दूर हो जाता है, जीवन से पलायन कर जाते हैं। कोई कविता आप पढ़ रहे हैं और उस कविता को पढ़ते हुए या कुछ गाना को सुनते हुए आपको लगता है कि आप जीवन से पलायन कर गए हैं, आप उस गाने में पूरे खो जाते हैं, आपके सुख दुख आप पूरा भूल जाते हैं और गाने में पूरी तरह से खो जाते हैं। कला मनोरंजन अथवा आनंद के लिए, कभी कोई गाना सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मनोरंजन अथवा आनंद के लिए आप सुनते हैं। इसके बाद कला सेवा के लिए, कला ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का सेवा भी हो, है ना। कई बार कुछ कवि ऐसा लिख देते हैं कि लोग बहुत ज्यादा उस गाना या उस कविता से प्रेरित हो जाते हैं। अब कला आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से साक्षात्कार होना कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या अच्छाई है, मतलब खुद से आत्म साक्षात्कार हो जाता है कला का उद्देश्य। और सृजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब कुछ सृजन करना जरूरी है कि आपके मन में कुछ ऐसी भावना आ गई कि आपके लिए लिखना जरूरी है, आपके मन में ऐसी भावनाएं आ गई कि आपके लिए लिखना जरूरी है, वह आपकी सृजनात्मक आवश्यकता हो गई, उसके लिए भी कला आवश्यक है। तो कला अथवा काव्य दोनों पर इन्होंने यहां पर विचार किया है। मैंने खाली कला कला लिख लिया है, लेकिन कला अथवा काव्य दोनों पर इन्होंने विचार किया है। तो यहां पर इन्होंने जो बताया है तो काव्य का प्रयोजन भी है और कला का प्रयोजन भी है। तो डॉक्टर मिश्र की मूल मान्यता क्या है? काव्य एक सृजनात्मक आवश्यकता है, मतलब काव्य की रचना करना बहुत ही जरूरी है। कवि क्या है, बेबस हो जाता है कि उसको रचना करनी पड़ती है, उसमें जब भावनाएं आती है तो उसको रचना करनी पड़ती है। मैथिली चरणगुप्त, यह प्राय परीक्षा में पूछे जाने वाला है यह जो प्रश्न है। मैथिली चरणगुप्त के अनुसार राष्ट्र कवि एवं द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि मैथिली चरणगुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके हिसाब से काव्य के दो प्रयोजन अथवा उद्देश्य हैं, काव्य के दो प्रयोजन है अथवा उद्देश्य है, मनोरंजन और उपदेश। यह लाइन प्राय परीक्षा में आती है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसको आपको याद कर लेना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी क्या कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के मत में ज्ञान और आनंद काव्य के प्रयोजन है। काव्य से ज्ञान भी मिलना चाहिए और आनंद की प्राप्ति भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं छायावादी कवियों की दृष्टि में काव्य का क्या प्रयोजन है। छायावादी कवियों में 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी लाला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। तो छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनोरंजन और शिक्षा, इसको काव्य का प्रयोजन माना है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत।
इन्होंने स्वांता सुख और लोकहित को काव्य का प्रयोजन माना है, जैसा कि तुलसीदास जी भी मानते हैं स्वांता सुख आए और लोकहित आए, इसको ही सुमित्रानंदन पंत जी ने भी काव्य का प्रयोजन माना है। और सुमित्रानंदन पंत ने भावना और कविता के अंतर संबंधों को उद्घाटित करते हुए कहा है कि हमारी भावना के साथ कविता का संबंध क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा है, यह प्राय परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, इसको पूरी तरह से आप याद कर लीजिए। यह जो पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्राय परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्ति है। इसके बाद महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और इन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। करुणा और वेदना की कवित्री है, महादेवी वर्मा पर किसका प्रभाव है, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। वेदना दुख एवं करुणा की छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य क्या है, समाज के अनुशासन के बाहर स्वच्छंद मानव स्वभाव में उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना, मतलब समाज का जो कड़ा अनुशासन है उससे लोगों को मुक्त कर देना, और लोगों का जो स्वच्छंद मानव स्वभाव है, कि लोगों का जो स्वाभाविक स्वभाव है उसी स्वभाव के अंतर्गत रहते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करना, उन पर कोई बहुत ज्यादा अनुशासन नियम कानून लागू नहीं करना, उनको स्वच्छंद रखना, मुक्त रहना, मुक्त रखना, और उनकी स्वच्छंदता के अंदर ही उन्हें मुक्ति प्रदान करना, ताकि समाज के लिए अनुकूल व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, जो व्यक्तित्व समाज के लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है। डॉक्टर गुलाब राय का क्या कहना है, डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी में इसी से लोकहित का मान है। इस प्रकार इन्होंने रस का आनंद, मतलब जो लोकोत्तर आनंद है, तो मतलब लोगों को आनंद प्राप्त होना चाहिए और दूसरा इससे लोगों का कल्याण भी होना चाहिए, इसको इन्होंने माना है। और इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास का क्या कहना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, साहित्य के सहारे मनुष्य जीवन के दुख और संकट को क्षण भर के लिए भूल सकता है, वह आपदाओं से भरे हुए वास्तविक संसार को छोड़कर कल्पना और भावना के सुंदर लोक में भ्रमण कर सकता है। वास्तव में साहित्य की सीमा के अंतर्गत उन्हीं पुस्तकों की गणना हो सकती है जो इस महान उद्देश्य की पूर्ति करती है या इस पूर्ति के आदर्श को सामने रखकर लिखी गई है। मतलब वास्तव में साहित्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन को सुंदर और सुखी बनाना, उनके दुख दर्द उनके कष्टों का निवारण करना और लोगों का कल्याण करना, ठीक है। और यदि कोई साहित्य इस प्रकार के उद्देश्य को पूर्ति करती है तभी उसे हम कहेंगे यह आदर्श साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद, ये जो आप एक निबंध पढ़ते हैं साहित्य के उद्देश्य, 1936 में जब इन्होंने उसका गठन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ, इसके सभापति थे, तब इन्होंने जो भाषण दिया था साहित्य के उद्देश्य वही निबंध है। तो मैं शुरू में बताया था कि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं और यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है साहित्य का उद्देश्य किसका निबंध है, और कॉलेजों में इस पर तो पूरा व्याख्या आपको लिखना पड़ता है साहित्य के उद्देश्य के ऊपर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। साहित्य के उद्देश्य के संबंध में यदि मुंशी प्रेमचंद के विचारों की चर्चा न की जाए तो बात अधूरी होगी। उन्होंने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के पहले अधिवेशन में सभापति के रूप में जो भाषण दिया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जो मैं ऐसा बात बोलता हूं तो ध्यान से समझ लिया करिए। प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ था भारत में 1936 ईस्वी में, इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और इसके सभापति थे मुंशी प्रेमचंद। तो वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसे कहा जाता है साहित्य के उद्देश्य। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। साहित्य के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है। साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, साहित्य केवल हमारे आनंद अथवा हमारे मनोरंजन की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस की तीव्रता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, भावना की तीव्रता को, ठीक है ना, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसके बाद साहित्य का साधन सौंदर्य प्रेम है। किस साधन से साहित्य विकसित होता है, सौंदर्य और प्रेम। साहित्य मनुष्य में सौंदर्य प्रेम को जगाने का प्रयत्न करता है, मतलब सौंदर्य के प्रति लोगों में प्रेम जगाने का प्रयास करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सौंदर्य की अनुभूति ना हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन सी चीज खूबसूरत है, कौन सी बात अच्छी है, जो सौंदर्य है, चाहे किसी वस्तु में, चाहे किसी शब्द में, जहां भी सौंदर्य है मनुष्य उसको अनुभूत करना बचपन से सीख कर आता है। जहां प्रेम की विस्तृति है वहां कमजोरियां कहां रह सकती है, जहां पर प्रेम की व्यापकता है वहां पर कोई कमजोरी नहीं होती है। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियां इसी भोजन के न मिलने से अथवा दूषित भोजन से पैदा होती है।
मतलब जब सारे संसार के लोग प्रेम पूर्ण भावना के साथ रहेंगे तब उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनकी कमजोरियां दूर होंगी, उनको लगेगा कोई है हमारे साथ जो हमारे दुख की अवस्था में हमारे कंधे पर हाथ रख सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। और यदि प्रेम भावना नहीं होगी, आपस में पड़ोसी पड़ोसी लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से लोग समाज में लड़ते रहेंगे, तो क्या होगा, घृणा की भावना पैदा होगी और इससे लोग आपस में कमजोर भी होंगे। साहित्य हमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है, प्रेम की उष्णता। साहित्य के माध्यम से हमें सौंदर्य की समझ विकसित होती है कि कौन सी चीज सुंदर है कौन सी चीज असुंदर है, इसको हम समझ पाते हैं साहित्य के माध्यम से, और हम प्रेम की गर्माहट को महसूस कर पाते हैं, है ना, एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं साहित्य के कारण। साहित्य के बदौलत मन का संस्कार होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। साहित्य का क्या मुख्य उद्देश्य है, साहित्य के माध्यम से हमारे मन में बदलाव आता है। जैसे आप कई कहानियां पढ़ते होंगे उसमें आपको पता चलता होगा कितना उसमें डेप्थ है। जैसे इनकी आप ईदगाह कहानी पढ़े होंगे, पंच परमेश्वर कहानी पढ़े होंगे, कफन कहानी पढ़े होंगे, तो आपके मन में कुछ बदलाव आया होगा, कुछ उच्च जीवन मूल्य आप में विकसित हुए होंगे, है ना। जैसे आपने पूस की रात कहानी पढ़ी होगी तो आपके मन में एक नई संवेदना जन्म होती है, और यही साहित्य का उद्देश्य है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, मतलब वो आपके मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं लिखता। कहीं पर चार लोग इकट्ठा हो गए, कोई शायरी कोई कविता सुना रहे हैं, एक दूसरे को वाह वाह कर रहे हैं, मनोरंजन का सामान जुटा रहे हैं, बल्कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो यह जो साहित्य है वह देशभक्ति के पीछे अथवा राजनीति के पीछे चलने वाला नहीं है, बल्कि साहित्य क्या है, इन सबके आगे भी मशाल दिखाते हुए लोगों के रास्ते को रोशन करते हुए आगे चलने वाली सच्चाई है। और जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, मतलब लोगों का मनोरंजन करना, केवल लोलियां गा गा कर सुनाना, फिल्मी गाने लिखे बच्चों को सुलाने के लिए गाना लिखना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना, सैड सॉन्ग लिखना, कविता को सुनकर कविता को पढ़कर, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता ना थी। यदि साहित्य का केवल यही उद्देश्य था तो उसके लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं था, मतलब लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं था। मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। साहित्य का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है, लोगों की विलास की सामग्री नहीं है, बल्कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, बहुत गहरे भाव जिसमें हो, श्रेष्ठ विचार हो, स्वाधीनता का भाव हो, क्योंकि उस समय भारत परतंत्र था, सौंदर्य का सार हो, मतलब कि साहित्य को पढ़ने से आपके मन में सौंदर्य बोध उत्पन्न हो, सृजन की आत्मा हो, मतलब इतना बेहतरीन सृजन हो कि उसको पढ़कर आप गदगद हो जाए, है ना, सृजन की आत्मा हो, बहुत ही बेहतरीन कृति हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो यथार्थवादी हो, जो सच्चाई हो जिसमें जीवन की, जो यथार्थवाद हो, इनके जो आदर्शोन्मूलक यथार्थवाद कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी का जो आदर्श है उनको क्या कहा जाता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जो आदर्श की ओर उन्मुख है ऐसी सच्चाई, जो हमें गति संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, जो हमको जीवन के लिए कुछ आगे कर गुजरने के लिए हमारे अंदर कोई भावना जागृत करे, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे कि मेरा राष्ट्र बेचैन है, मुझे कुछ करना है इसके लिए, मुझे संघर्ष करना है, मुझे आगे जाना है, सुलाए नहीं, गाना का सुनकर साहित्य को पढ़कर साहित्य को सुनकर हम सोए नहीं, क्योंकि ज्यादा सोना क्या है, मृत्यु का लक्षण है, क्योंकि उस समय हमारा देश जो था परतंत्र था, तो उन्होंने आह्वान किया। तो आप समझ रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद जी के क्या विचार है। अब साहित्य के संबंध में उद्देश्य या प्रयोजन के संबंध में मनोविश्लेषण शास्त्रियों के मत का भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। मनोविश्लेषणवाद के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है फ्रायड एडलर और जूंग के ऊपर, वह बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसे भी जाकर आप देखें, है ना। तो अब हम देखते हैं फ्रायड का क्या कहना है। फ्रायड एडलर जूंग, इन्हें कहा जाता है मनोविश्लेषण शास्त्री, जिन्होंने मनोविश्लेषण का अध्ययन किया है, इन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, इन्होंने भी साहित्य के उद्देश्य पर विचार किया है, जिसको इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार पढ़ सकते हैं। फ्रायड का कहना क्या है, मानव की सभी क्रियाओं के मूल में काम वासना रहती है, मतलब मनुष्य जो भी काम करता है उसके पीछे उसका सेक्सुअल डिजायर रहता है, काम वासना रहती है। साहित्य और कला सृजन की मूल प्रेरणा सर्जक की दमित काम वासना है, मतलब ऐसी काम वासना, ऐसे सेक्सुअल डिजायर्स जो किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाते हैं, चाहे हमारे सामाजिक जो बंदिशें हैं या जो समाज के जो नियम कानून है, जो नैतिक नियम कानून है, जो कानून के जो नियम कानून है, जो मापदंड है, उनके कारण से यदि हमारे जो सेक्सुअल डिजायर्स अधूरे रह जाते हैं, हमारी काम वासना अधूरी रह जाती है, तो वह साहित्य अथवा कला के रूप में वह प्रकट होती है। मतलब कोई भी सर्जक है या भी कोई भी साहित्यकार है, कोई भी कलाकार है, उसकी जो दमित काम वासना है
वही कला अथवा साहित्य अथवा काव्य के रूप में प्रकट होती है, ऐसा उनका कहना है। एडलर का क्या कहना है, इनके अनुसार हीनता की क्षतिपूर्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है। कुछ लोगों में कुछ इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, कुछ में कुछ कमी रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए साहित्य सृजन की ओर उन्मुख होते हैं, यह उसकी मूल प्रेरणा है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति को हम अंधा नहीं कहते, हम कह देते हैं कि वह सूरदास है, और ऐसे जो सूरदास होते हैं बहुत ही बेहतरीन गाना गाते हैं, तो वो जो दुनिया को देख नहीं सकते तो उनके अंदर एक हीनता की भावना आती है कि मैं दुनिया को देख नहीं सकता, मैं तो अंधा हूं। तब उस हीनता को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाना गाने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं, इसीलिए हम उनको कह देते हैं कि यह सूरदास है। तो यह है, तो हीनता की क्षतिपूर्ति, हीनता जो हमारे अंदर है, जो इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे यहाँ जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए कोई भी, यही साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है। जीवन में किसी न किसी अभाव के कारण मानव मन में हीनता की ग्रंथि बन जाती है, हमारे अंदर इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अतः वह अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए साहित्य अथवा कला सृजन में प्रवृत्त होता है। तो कोई कलाकार अथवा साहित्यकार क्यों कला सृजन में प्रवृत्त होता है, तो इनके हेडलाइन के अनुसार उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है, कुछ हीनता की ग्रंथि रह जाती है, कुछ इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, उस इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए, उस हीनता की ग्रंथि को दूर करने के लिए वह कला अथवा साहित्य सृजन की ओर उन्मुख होता है, यह उसका उद्देश्य होता है। जुंग का क्या कहना है, जुंग ने काम वासना के साथ साथ प्रभुत्व कामना को काव्य की प्रेरक शक्ति बताते हुए कहा कि आत्मरति और प्रभुत्व कामना दो ऐसी सशक्त प्रवृत्तियां हैं जो मानव के सभी क्रियाकलापों की प्रेरक शक्ति होती है। ये तीनों बातें जो मैं बता रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुंग का कहना है काम वासना को इन्होंने महत्व दिया, सेक्सुअल डिजायर, साथ ही प्रभुत्व कामना, प्रभुत्व कामना मतलब समाज में महत्व हासिल करना, कोई बड़ा पोस्ट हासिल करना, कोई महत्वपूर्ण पद हासिल करना, यह काव्य की प्रेरक शक्ति है। एक तो का सेक्सुअल डिजायर और दूसरा प्रभुत्व की कामना, कोई महत्वपूर्ण पद और स्थान हासिल करना समाज में। इसको बताते हुए कहा आत्मरति, आत्मरति मतलब स्वयं से प्रेम करना। कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लड़के हो या लड़कियां हमेशा दर्पण के सामने खड़े रहेंगे, अपने आप को बहुत ही सुंदर रहेंगे, अरे ऐसा बनाएंगे मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, आपने देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह में देखते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो ये सब तो देखते होंगे आप इंस्टाग्राम में, और मेरे जैसे लेक्चर को देखने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आत्मरति मतलब खुद से प्रेम करना, खुद से प्यार करना, और प्रभुत्व कामना मतलब एक स्टेटस हासिल करना, प्रभुत्व हासिल करना, बड़ा पोस्ट हासिल करना, ऐसी दो सशक्त प्रवृत्तियां हैं जो मानव के सभी क्रियाकलापों की प्रेरक शक्ति होती है। मतलब मानव जितना भी क्रियाकलाप करता है उसके पीछे दो कारक काम करते हैं, दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो आत्मरति, खुद से प्यार करना, स्वयं से प्यार करना, स्वयं को महत्वपूर्ण समझना, और दूसरा क्या होता है, एक स्टेटस हासिल करना, महत्व हासिल करना, कोई पोस्ट बड़ा हासिल करना, इसको बोलते हैं प्रभुत्व की कामना। अब हम देखेंगे साहित्य और समाज का अंतर संबंध, कि साहित्य का समाज के साथ क्या संबंध होता है, साहित्य और समाज क्या एक दूसरे के पूरक हैं कि क्या है, साहित्य और समाज का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है। साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है क्योंकि साहित्य में ही समाज के सारे क्रियाकलाप और हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हर युग के साहित्य में उस युग का समाज और उसके मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। जिस कालखंड में जो साहित्य लिखा जाता है उस कालखंड के लोगों के जो विचार हैं, जो सोच विचार हैं, जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांप्रदायिक, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वे उस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है तो यह साहित्य की केवल एकांगी व्याख्या होगी, एक पक्षी व्याख्या होगी। वास्तव में साहित्य और समाज का संबंध एकांगी नहीं होता बल्कि पारस्परिक होता है। केवल साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता बल्कि उसे दर्पण के साथ साथ दीपक भी माना गया है। साहित्य समाज का दर्पण है, इसे साहित्य में सिर्फ समाज प्रतिबिंबित नहीं होता बल्कि साहित्य समाज को रास्ता भी दिखाता है, उनके मार्ग को आलोकित भी करता है। इसलिए साहित्य को दर्पण के साथ साथ क्या है, दीपक भी माना गया है, क्योंकि साहित्य का काम केवल समाज को प्रतिबिंबित करना ही नहीं है बल्कि समाज को रास्ता दिखाना भी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी यह मैं बता चुका हूं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दिया हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के चैप्टर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यही है। मुंशी प्रेमचंद, ये तीन चार जो लाइन, तीन चार जो शब्द यहां पर आए उसे याद करिए। मुंशी प्रेमचंद ये 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए सभापति अथवा अध्यक्ष थे, यह प्रथम बैठक थी। इसमें साहित्य के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है कहां हुआ था। इसे साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसकी व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है,
इस निबंध में वे लिखते हैं, ये तो मैं आगे बता चुका हूं कि साहित्यकार का उद्देश्य केवल लोगों को मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि यह समाज को मशाल समाज के आगे, राजनीतिक परिस्थितियों के आगे, देशभक्तों के आगे मशाल दिखाता हुआ उनके मार्ग को प्रशस्त भी करना साहित्य का उद्देश्य है, मार्ग को आलोकित करना भी उसका उद्देश्य है। अब साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, साहित्य का महत्व क्या है, क्या साहित्य हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है, आइए देखते हैं। तो साहित्य वह लोक मंगलकारी रचना है, साहित्य का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, जिसमें शब्द अर्थ साथ साथ आते हैं। शुरू में बता चुका हूं, शब्द अर्थ जब साथ साथ आते हैं और जब इसे लोगों का कल्याण होता है तो वही साहित्य है। और ये मिलकर क्या करते हैं, जो रचनाकार है, जो साहित्यकार है, उसके भावों, उसके विचारों, उसके आदर्शों को समाज और पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं शब्द और अर्थ मिलकर। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो साहित्य और समाज के अंतर संबंध का परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है बल्कि समाज का दीपक भी है। तो साहित्य के माध्यम से हमको उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है जिस कालखंड में वह साहित्य लिखा गया है, कि उस समय लोग और समय और समाज कैसा था, लोगों के विचार किस प्रकार के थे। और इसके साथ ही साथ हमको यह भी पता चलता है कि उस समय जो साहित्यकार जो साहित्य सृजन में रत थे, जो साहित्य सृजन कर रहे थे, वे किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाह रहे थे, यह प्रासंगिकता है। और यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें साहित्य कई बार देश और काल की सीमाओं को अतिक्रमित करता हुआ वर्तमान संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता का एहसास दिलाता है। तो यह साहित्य का महत्व है कि वह अपने कालखंडों का भी अतिक्रमण कर देता है, देश काल परिस्थिति और वातावरण से भी आगे चला जाता है। इसका उदाहरण के रूप में इस तरह समझ सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने उनका जो रामचरितमानस है आज से लगभग 450 वर्ष पहले लिखा गया था, लेकिन वह आज भी हम उसका अध्ययन करते हैं और वह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, आज भी हम उसे जीवन मूल्य ग्रहण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन है, उनके जो जीवन मूल्य है, और रामचरितमानस में जो आदर्श जिनका उल्लेख तुलसीदास जी ने किया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दो कारणों से की थी, स्वांतर सुखाय और लोकहिताय, इसलिए वह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार यह रचना अपने कालखंड का अतिक्रमण करती है। लेकिन हमारे लिए साहित्य की उपयोगिता यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और रुचियों के परिष्कार और संस्कार में भी सहायक है। इसे हमारा व्यक्तित्व में भी परिष्कृत होता है, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और हमारी रुचि भी अच्छी होती है, हमारे अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर। एक प्रकार से साहित्य क्या है, आत्माभिव्यक्ति का जरिया है, अपनी आत्मा को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का माध्यम है। और इसके जरिए हमको क्या, अपनी संस्कृति को और अपनी परंपरा को जानने का अवसर भी मिलता है। तो यह साहित्य क्या करता है, उन मूल्यों, विचारों और आदर्शों की विरासत को हमें सौंपता है जो पूर्व की पीढ़ियों द्वारा छोड़े गए थे। पूर्व की पीढ़ी के जो आदर्श थे, जो विचार थे, जो मापदंड थे, उनकी विरासत हमको साहित्य के माध्यम से हमको प्राप्त होती है और उसको भी हम अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो स्पष्ट है कि साहित्य हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक है। इसी दिशा में राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका प्रसिद्ध निबंध है गेहूं और गुलाब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब में क्या कहा है, इसमें वे लिखते हैं कि जहां गेहूं हमारी भौतिक भूख को शांत करता है, वहीं गुलाब हमारी सौंदर्य चेतना का परिष्कार करता हुआ हमारी आत्मिक भूख को शांत करता है। भौतिक भूख क्या है, हमारी पेट की भूख है, जब हमारी पेट की भूख मिट जाती है गेहूं के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, तब जब हमारी पेट की भूख मिट जाती है तब हम सौंदर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला जाता है ना, भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब तक हम भूखे रहेंगे इसे क्या होगा, मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण है, हमारी भौतिक भूख भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आत्मिक भूख। तो जो गेहूं है, जो अनाज है, हमारी भौतिक भूख को संतुष्ट करता है, और जब हमारी भौतिक भूख संतुष्ट हो जाती है तब हमारी दृष्टि में सौंदर्य बोध होता है और हम चीजों की सौंदर्य को देखते हैं। तो गुलाब हमारी सौंदर्य चेतना को परिष्कृत करता है, हमारे सौंदर्य बोध को जगाता है। तो दोनों का महत्व है। अब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमने पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है और पूरे विश्व के साथ एकात्मकता का अनुभव करना, तादात्म्य का अनुभव करना ही साहित्य का लक्ष्य है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आगे कहा है कि पूरी दुनिया के साथ मनुष्य प्रेम संबंध अथवा रागात्मक संबंध मनुष्य करता है और ये इसी संबंध का नाम क्या है, कविता है। इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, हमने चर्चा कर चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों का संकेत किधर है, लोक मंगल की ओर है। इन दोनों का कहना है कि
साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक मंगल है, और वे ऐसे साहित्य की अपेक्षा करते हैं जो हमारे संकीर्ण स्वार्थों को परिष्कृत करते हुए मानव और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सके, और इसमें सहायक है संवेदना, जिससे साहित्य गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। साहित्य का मुख्य जुड़ाव संवेदना से होता है, सेंटीमेंट से होता है, फीलिंग से होता है, इमोशन से होता है। और साहित्य क्या करता है, हमारे मन में जो संकीर्ण स्वार्थ है उससे ऊपर उठाते हुए हमें को मानवता की ओर, मानव के कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ाता है, प्रशस्त करता है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, और अगर आप निष्कर्ष तक देखते हुए पहुंच चुके हैं तो मैं आपके धैर्य को सलाम करता हूं, क्योंकि इतने देर तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से 10-12 क्वेश्चन मेरा वादा है आपको परीक्षा में मिलेंगे, और अभी तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। काव्य या साहित्य के संदर्भ में प्रयोजन अथवा उद्देश्य का उल्लेखनीय महत्व आदि आचार्य भरत से पंडित राज जगन्नाथ तथा बाद के आचार्यों द्वारा निरूपित किया गया है। आचार्य भरत मुनि से लेकर आज तक के आचार्य ने काव्य अथवा साहित्य के उद्देश्य पर विचार विमर्श किया है। तो प्रारंभ के जो आचार्य थे, आचार्य भरत, आचार्य भामा आदि आरंभिक आचार्य के प्रयोजन निरूपण में क्या महत्वपूर्ण था? चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इसको इन्होंने महत्व दिया है। इनके जो बाद के आचार्य हुए थे, इन्होंने यश और धन की प्राप्ति और आनंद को ज्यादा महत्व दिया। आचार्य कुंतक ने क्या कहा? लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। लोकोत्तर चमत्कार मतलब जो इस लोक का नहीं है, किसी अन्य लोक का है, जो अनिर्वचनीय है, इस और आनंद की अनुभूति, इसको काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। ये एक बार मैं यहां रिपीट कर दिया हूं, आचार्य मम्मट, इसको आप वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति, अर्थ लाभ मतलब धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, अशिव अथवा अमंगल का नाश, अनिष्ट का नाश, शीघ्र आनंद की प्राप्ति, कांता संहित उपदेश, मधुर शब्दों में उपदेश, ये 6 प्रयोजन है। मम्मट के प्रयोजनों के अंतर्गत लौकिक और अलौकिक, वैयक्तिक और सामाजिक, आंतरिक और बाह्य, सभी का सामंजस्य है और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और याद यही भारत में मान्य है पूरी तरह से। हिंदी के रीतिकालीन कवियों द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्य द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजनों पर आधारित है। तो ये जो कार्य कारण संबंध आता है ना, तो इस दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। ये आपको सेंटेंस ऊपर में दे दिया जाएगा, रीतिकालीन कवियों के द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन संस्कृत के आचार्य द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजनों पर आधारित है, रिकॉर्ड सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि यह कारण सही है, यह उद्देश्य सही है, यह पहला सही है, दूसरा सही है, इस प्रकार का। आचार्य सोमनाथ, भिखारीदास, कुलपति आदि ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। इसके बाद आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि ने भी काव्य प्रयोजन अथवा काव्य के उद्देश्यों पर चिंतन किया है। पाश्चात्य विचारकों ने भी अपने प्रतिपादित सिद्धांतों के अतिरिक्त काव्य के प्रयोजन अथवा काव्य के उद्देश्य पर विचार किया है पाश्चात्य आलोचना के अंतर्गत। इसी प्रकार के पाश्चात्य मनोविश्लेषणवादी जो है, एडलर, फ्रायड, एडलर जूम, इन्होंने भी काव्य प्रयोजन के संबंध में विचार किया है, विचार व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगेल, क्रोचे, रस्किन, टॉलस्टॉय, शीलर, शेली, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड, फ्लावर्ट, वाल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, ब्रैडले, स्पिनबर्ग, इन लोगों ने भी साहित्य के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। और हिंदी में भक्तिकालीन कवि तुलसीदास, रीतिकालीन कवि कुलपति मिश्र, देव, सोमनाथ इत्यादि एवं आधुनिक युग के मूर्धन्य हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद इत्यादि ने साहित्य के उद्देश्य के संबंध में अपनी अपनी मान्यताएं एवं मत, अपने अमूल्य विचार प्रतिपादित किए। अब यहां पर आ गया संक्षेप में, हम कह सकते हैं, आपको सारांश लिखना है। उपरोक्त विविध विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है, इनके विचारों से स्पष्ट है कि साहित्य का महत्व, साहित्य का महत्व और साहित्य का उद्देश्य तथा प्रयोजन अनंत है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अंततः यह कह सकते हैं कि स्वांतर सुखाए, खुद की खुशी, आत्माभिव्यक्ति, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, निजी अनुभूतियों का अभिव्यक्त करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, मनोरंजन, सौंदर्य, सौंदर्य बोध, सौंदर्य चेतना का विकास, मनोविकारों का परिष्कार, हमारे मन के जो विकार हैं उनको दूर करना इत्यादि साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। और यह साहित्य की सामाजिक सदुच्छता है कि सामाजिक साहित्य जो है समाज के उद्देश्य के, समाज के कल्याण के उद्देश्य से लिखा जाता है और यही उसे अनंत काल तक
प्रासंगिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, साहित्य उस समय और समाज, संस्कृति और परंपरा तक को हमारी पहुंच को सुनिश्चित करता है, जहां तक हमारी भौतिक पहुंच संभव नहीं है। जैसे हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो साहित्य में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है तब भी साहित्य में कोई उपन्यास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मतलब जिस कालखंड में हम नहीं जा सकते, वैदिक युग में हम नहीं जा सकते, ऋग्वैदिक युग में हम नहीं जा सकते, लेकिन महाभारत काल में नहीं जा सकते, रामायण वाला जो काल है उसमें हम नहीं जा सकते त्रेता युग में, लेकिन उस समय के साहित्य को पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहेंगे, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही होगी, उसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए साहित्य के बारे में यह कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती वहां तक कवि की पहुंच होती है, वो अपनी कल्पना के माध्यम से वहां तक पहुंच सकता है और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य हमको उपलब्ध करा सकता है। आशय यह है कि जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां तक कवि की कल्पना शक्ति की पहुंच होती है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि साहित्य का उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या है। आज के लेक्चर से 10-12 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा, पता नहीं आप बोर हुए हैं कि नहीं, लेकिन यदि आपने यहां तक देखा है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यह लेक्चर अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।